विदर्भ में बड़ी मात्रा में बिजली निर्मित की जाती है, लेकिन फिर भी बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते जय विदर्भ पार्टी द्वारा केंद्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मासूरकर के नेतृत्व में नागपुर स्थित संविधान चौक पर श्रृंखला भूख हड़ताल की जा रही है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल से बिजली के दामों में 37% तक का इजाफा किया गया, जिसके कारण सामान्य जनता बेहाल हो चुकी है। साथ ही साथ कुराड़ी में 660 मेगावाट के नए संयंत्र के निर्मित के कारण किसानों का और स्थानीय जनता को गंभीर प्रदूषण की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिसके कारण जय विदर्भ पार्टी द्वारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मासूरकर के नेतृत्व में 13 जून से 19 जून तक संविधान चौक पर श्रृंखला भूख हड़ताल की जा रही है, जिसके चलते बिजली बिल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आज जो हमारे विदर्भ में बिजली तैयार होती है वो एक्सेस बिजली है। यहाँ कोराड़ी में जो नया पावर प्लांट आएगा उससे पहले ही प्रदूषण हो रहा है, जैसे चंद्रपुर में हो रहा है। चंद्रपुर देश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित एरिया, वैसे ही ये भी और ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा। और किसानों की फसलें वहाँ होंगी नहीं, अभी 15-20 किलोमीटर में किसानों की फसलें हो नहीं रहे। और ये जो 660 मेगावाट का प्रकल्प आएगा तो और नहीं होगी, जबकि पिछले बार हम लोग विदर्भवादियों ने 3 जून 2019 को एक यहाँ से 10,000 लोगों का पैदल मोर्चा निकाला था, जो भवन कुड़े के घर पर गया था। तब भवन कुड़े ऊर्जा मंत्री थी, तब उन्होंने लिखित दिया था कि कोई भी 132 प्रकल्प हटाने की, हमने 132 नए प्रकल्प आने वाले थे उसको हटाने की मांग की थी, तो उन्होंने कहा था कोई भी प्रकल्प नहीं आएंगे। परंतु आज ये फिर से सत्ता में आए, सत्ता में आते से उन्होंने जनता के जानों माल से खिलवाड़ करने का काम किया, किसानों से खिलवाड़ करने का काम किया, हमारी माता बहनों से खिलवाड़ करने का काम किया। इसके लिए हमें इसका विरोध कर, हम सरकार को अभी सिर्फ बातचीत से गुजारिश कर रहे, पहले बात से फिर मुलाकात से, अगर न समझे तो फिर वो बाद में आपको मालूम है लात ही चलती है और जनता आती है कि सीट खाली करो। इसलिए हम आगे की आक्रामक रणनीति लेकर आने वाले समय में ये आंदोलन और उग्र करेंगे। अगस्त महीना ये क्रांति का महीना रहता है और उस क्रांति दिन पर फडणवीस साहब नागपुर में ही है, फडणवीस साहब के पास ऊर्जा मंत्रालय के साथ साथ गृह मंत्रालय भी है, और हम यहाँ से इशारा दे रहे हैं आप और संविधान चौक के बीच में ज़्यादा फासला नहीं है। NBCN न्यूज़ के लिए अजित कुंवर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।